सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वास्थ्य मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच जो ये वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो मैच होने जा रही है उसके बारे में। ये मैच नंबर 8 है जो कि आज होने जा रही है, ठीक है। 7 o'clock में होगी ये मैच। ये मैच कहाँ पे होगी, पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक टीम मिल जाएगी जिस टीम में मिलेंगे आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। तो बने रहिए हमारे साथ। और कौन से प्रोबेबल प्लेयर को अपने टीम में सेलेक्ट करना है, किसको ड्रॉप करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और हमारा टीम जो है परफेक्ट रहता है, जाके हमारे टेलीग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पिच रिपोर्ट। तो पिच जो है ये कौन से ग्राउंड पे खेला जाएगा, तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने जा रही है, ठीक है। पिच जो है वहाँ का बैलेंस पिच है, बॉलिंग का पिच है, और यहाँ पे दोनों को ही सपोर्ट मिलता है। बैटर और बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बॉलर को जो कि पेसर्स बॉलर है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, स्विंग करा के काफ़ी अच्छे खासे विकेट निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेसर्स बॉलर को आपको लेके चलना है, और यहाँ पे स्पिनर्स बॉलर को भी कॉम्बिनेशन में आपको बना के चलना है। एक दो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है जो कि आपको अच्छे खासे विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेन्यू स्टैट्स। तो आज का जो मैच है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पिच रिपोर्ट। तो पिच जो है बॉलिंग होने वाला है, वेदर रिपोर्ट जो है क्लियर रहने वाला है। टोटल मैचेस जो हुए हैं यहाँ पे 97 हुए। बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने 45 मैचेस विन किए, और अभी एक मैच चल रही है तब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इंडिया और यहाँ पे पाकिस्तान की मैच चल रही है तब ये वीडियो बन रही है। और यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने 51 मैचेस विन करे हैं, ठीक है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो हाईएस्ट टोटल जो है यहाँ पे 212 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे, और यहाँ पे हाईएस्ट चेज स्कोर की बात करें तो 184 बने हैं 8 विकेट के नुकसान पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे स्कोर बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो एवरेज जो स्कोर है 90+ यहाँ पे रन बन सकते हैं वुमेन्स टीम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेस्ट इंडीज़ का प्रोबेबल प्लेयर। अब इसमें से जो हमें अच्छे खेल के देंगे, और कौन से प्लेयर को अपने टीम में रखना है, किसको ड्रॉप करना है, चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डी डॉटिन, ठीक है। तो डॉटिन को अपने टीम में रख लेना है, एस कैंपबेल को रख लेना है, और सी हेनरी को आप अपने टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनको जो है ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। कुछ इस तरह से हो जाता है, जिसको आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। सी हेनरी को आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ए फ्लेचर। फ्लेचर को तो जरूर से जरूर अपने टीम में सेलेक्ट करना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना है एक टीम में, ठीक है। एस कॉर्नर को आप अपने टीम में सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा क्यू जोसेफ, एस टेलर, तो भाई टेलर को आप अपने टीम में सेलेक्ट करेंगे, और एच मैथ्यू को तो सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे। और इसमें से किसको ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप आप यहां पे डॉटिन को ड्रॉप कर सकते हैं, सी हेनरी को ड्रॉप कर सकते हैं, कैंपबेल को आपको अपने टीम में सेलेक्ट करके चलना है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में हमने सर्कल करके आपको दिया है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने टीम में, ठीक है। बाकी को आप रिस्क के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ही आप सेलेक्ट करके चलें, नहीं तो इनको जो है जिसको हमने बताया है उनको अगर आप सेलेक्ट करके चलते हैं तो आप काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट विन कर सकते हैं, और यहाँ पे एच मैथ्यू को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं एक टीम में, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्कॉटलैंड का प्रोबेबल प्लेयर जो कि आज खेले जाने वाले हैं। तो इसमें से जो हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा के फ्रेजर। के फ्रेजर को आप अपने टीम में सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ओबेल। ओबेल जो है काफ़ी रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो ओबेल को सेलेक्ट करें, नहीं तो आप जो है इनको जो है ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पी चैटर्जी। पी चैटर्जी को अपने टीम में सेलेक्ट करना, केम्ब्रिज को अपने टीम में सेलेक्ट करना है, और एस हॉर्ले को अपने टीम में सेलेक्ट करना है, एस ब्रेश को आप अपने टीम में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी इस तरह से सिलेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इनमें से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करना चाहते हैं तो ओबेल को आप ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ पे फ्रेजर को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है चैटर्जी को आप ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी को आप सेलेक्ट करके चले आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आज की प्रेडिक्शन भी देंगे कि कौन से टीम जो है आज मैच विन करके जाने वाला है, वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं आपको बिल्कुल फ्री वाले टीम, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के टीम मिलते हैं, और इस तरह से यहाँ पे वीडियो मैसेज के जरिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, @IndianYouTuber दीपक जैन, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको भी सर्च करना है, फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल डालना है, ठीक है। अगर सर्च करके जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो आप हो सकता है कि इधर उधर फेक चैनल पे भी पहुंच सकते हैं,
सकते हैं, इसलिए आप लिंक से जाएं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा विनिंग प्रोबेबिलिटी, दोनों की विनिंग के चांसेस 50-50% है, लेकिन यहाँ पे मैं जाना चाहूँगा वेस्ट इंडीज़ के साथ कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच विन करके जाने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 5 मैचेस की रेशियो अगर देखें तो यहाँ पे जो है 5 में से 3 मैचेस विन करके रखे हैं स्कॉटलैंड ने, और यहाँ पे जो है 5 में से 3 मैचेस विन करके रखे हैं वेस्ट इंडीज़ ने। तो 50-50% चांसेस हैं, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच विन करके जाने वाली है। ठीक है, हेड टू हेड की बात करें तो दोनों ने अभी तक जो है हेड टू हेड खेले नहीं है, पिछले मैचेस खेले होंगे लेकिन यहाँ पे अभी जो है हेड टू हेड नहीं खेले हैं, तो यहाँ पे 0-0 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक टीम, इस टीम में आपको मिल जाएंगे 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एस कैंपबेली और ब्रेश, हमने विकेट कीपर लिया है, और बैटर में हमने एक बैटर लिया है एस टेलर। ठीक है, इस तरह से आप टीम बना सकते हैं, मैथ्यू डॉटिन, ब्रेश और यहाँ पे हॉर्ले, फ्रेजर और यहाँ पे फ्लेचर, और यहाँ पे जेम्स और ओबेल को हमने सेलेक्ट कराई है, एक कुछ इस तरह से हमने टीम बनाई है। और यहाँ पे जो है कैप्टन वाइस कैप्टन हमने हैली मैथ्यू और केब्रेश को बनाया है, इसको आप बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, और आप चाहें इनके अलावा किसी और को बनाना तो यहाँ पे फ्लेचर को कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी टीम की बात करें तो दूसरी टीम में जो है हमने यहाँ पे एक विकेट कीपर जो है कम कर दिया है, और यहाँ पे जो है हमने ऑलराउंडर की संख्या बढ़ाई है। ठीक है, और बैटर की संख्या भी बढ़ाई, बैटर यहाँ पे पहले एक था, यहाँ पे 2 कर दिए हमने। यहाँ पे जो है एस ब्रेस को हमने सेलेक्ट कराया है, एस टेलर, और यहाँ पे पी चैटर्जी को हमने सेलेक्ट कराया बैटर में, मैथ्यू ब्रेश हॉर्ले, और यहाँ पे फ्रेजर को हमने सेलेक्ट करा है, फ्लेचर एस स्लेटर, जेम्स ओबेल को हमने सेलेक्ट करा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है हमारा सेकंड टीम, और इस सेकंड टीम में हमने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है एस टेलर और यहाँ पे एस हॉर्ले को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है दो टीम का, और फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। लाइनअप के टाइम में फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल परफेक्ट वाली दी जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐसी टीम मिलती है जहाँ से आप स्मॉल लीग तो आराम से क्लीन स्वीप कर सकते हैं, अगर जीएल में थोड़े बहुत रिस्क लेते हैं तो आप जीएल भी विन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।